नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टुडे के कार्यक्रम में। हम फिर से लौटे हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों के साथ। अमेरिका के मायामी एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देने वाला अपराधी स्पेन के जालोन से हुआ गिरफ्तार। दिल्ली की हवा हुई बहुत ही खराब, दिवाली से पहले खतरनाक स्तर पर पहुंचेगा प्रदूषण। राम मंदिर पर यूपी सरकार ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। अदालत ने दो व्यक्तियों को बलात्कार मामले में किया आरोप मुक्त। संयुक्त राष्ट्र ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से कहा जितनी जल्दी हो संभव संसद में मतदान की अनुमति दें। राहुल गांधी के राफेल बयान पर मनोज तिवारी का पलटवार, कहा वो चाहते हैं हम कट्टे से सेना चलाएं। राधा की तलाश में पत्नी को 5 महीने में ही तलाक दे रहे लालू के बेटे तेज प्रताप, ये रही उनकी शादी की एल्बम। बच्चे के सामने यूं लूट ली मां की चेन, सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहला देने वाली वारदात। 1984 दंगा, अकाली दल के कार्यकर्ताओं और सुरक्षाकर्मियों में हुई झड़प, हिरासत में केंद्रीय मंत्री। अगले 2 दिनों में बदतर हो सकती है दिल्ली एनसीआर की हवा, तापमान में भी आई भारी गिरावट। सिग्नेचर ब्रिज तैयार, घंटों का सफर होगा मिनटों में, रविवार को मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। घर में डबल अटैक कर रहा प्रदूषण, अंदर बैठना बाहर निकलने से भी ज्यादा खतरनाक। ग्रीन पटाखों से अनजान है व्यापारी, न सुना है न देखा है, विरोध स्वरूप बना रहे हैं आलू भिंडी और प्याज बम। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से लापता कश्मीरी छात्र आतंकी संगठन में हुआ शामिल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आवासीय परिसर में कारोबार के लिए लाइसेंस नहीं तो 48 घंटों में करे सील। विदेशी शोध में हुआ खुलासा, वायु प्रदूषण से बचाव में मास्क नहीं होते हैं कारगर। पीएम मोदी 10 नवंबर को करेंगे केएमपी एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। काम पर लौटे हरियाणा के रोडवेज कर्मचारी, 18 दिन बाद हुई बस सेवा सामान्य। इनेलो में इस्तीफों की झड़ी, दुष्यंत व दिग्विजय के निष्कासन पर समर्थक भड़के। एएमयू में मतदान के लिए जुनून, 1 बजे तक 35% वोट, रात 12 बजे के बाद आएगी। ये थी देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। थैंक यू सो मच, बने रहे आप हमारे चैनल के साथ। और अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप हमारे टुडेज एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर वीडियोज़।